हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लें ताकि आप देख पाएं हमारे सारे वीडियो सबसे पहले। अभिनेता रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण बॉलीवुड के सबसे खूबसूरत कपल्स में से एक हैं। दोनों ने कई सालों के लंबे रिलेशनशिप के बाद शादी करने का फैसला लिया। दोनों 14 और 15 नवंबर को शादी के बंधन में बंधे। अपनी शादी के बाद से ही यह हॉट कपल कभी अपनी शादी की फोटो, कभी अपने कपड़े तो कभी अपने प्रोफेशन को लेकर सुर्खियां बटोरते रहे। दोनों की शादी को 54 दिन हो गए हैं। ऐसे में लोग दीपिका की प्रेगनेंसी को लेकर जमकर बातें बोल रहे हैं। सोशल मीडिया के मुताबिक दीपिका पादुकोण प्रेग्नेंट है, वहीं अपनी प्रेगनेंसी की खबरों को लेकर दीपिका ने भी चुप्पी तोड़ दी है। दीपिका ने कहा है कि महिलाओं की गर्भावस्था को लेकर फैली रूढ़िवादी परंपराओं पर बात करनी चाहिए। दीपिका का कहना है कि मुझे ऐसी अफवाहों से निपटने की जरूरत है, हम लगातार लोगों की नजरों में हैं, इसलिए हमें अफवाहों से निपटना पड़ेगा। दीपिका कहती हैं कि लोग खुद ही बिना सोचे कुछ भी अनुमान लगा लेते हैं, कभी कभी यह अनुमान सच भी साबित होते हैं, लेकिन ज्यादातर ऐसे अनुमान पूरी तरह से गलत निकलते हैं। दीपिका आगे कहती हैं कि हम एक दुनिया से जुड़े हैं जहां ऐसी बातें होना आम है, इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जब भी मेरे साथ ऐसा होना होगा तब होगा। शादी के बाद माँ बनने की जिम्मेदारी हमारे समाज में बढ़ रही है, मैंने इस बारे में कई महिलाओं से सुना है। बता दें, दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह अपने हनीमून से करीब 1.5 महीने बाद वापस लौटे हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपका इस बारे में क्या विचार है, ये हमें नीचे दिए कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें जिससे हमें और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा।